अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इतने जी असं तुहाडे नाल बड़ी जबरदस्त रैसपी शेयर करने लगे हैं। आज ही लिया सी एक गिरी का कच्चा खोपरा, उस ना थोड़ा जहा उत्तों सुराख करके पा देना है इस भगोल का छिलका। इसको हमने फुल ऊपर तक भर देना है और फिर आपने ये रेसिपी एंड तक फॉलो करनी है। बड़ी ज़बरदस्त है, अगर आपके कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, ताकत वाली चीज़ है। 1 किलो हमने दूध ले लिया है। मामा है तो देखें, ये आज चीज़ की दादू रेसिपी बना रही हैं, तो ऊपर से ये देखें मैंने है ना, उन्होंने बल्कि सारा काम किया है। ये देखें इसको है ना, हमने ऊपर से आटा लगा के तो ये वाला है, इसको अच्छी तरह ना पैक कर देना, हमने जोड़ देना है। ये मैं भी पहली दफ़ा बनाई है, लेकिन बहुत मज़े की बनी है, मैंने चेक की है, तो आपने ज़रूर बनानी है। और अब हमने इसको ना 1 किलो दूध में बॉईल करके उसके अंदर इसको रख देना है और हल्का हल्का सा करके ना इसको, जैसे ये देखें इतना दूध रह गया, अब हम इसको निकालेंगे। बहुत एहतियात से, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें आपने रेसिपी एंड तक ज़रूर देखनी है, फिर आपको सारी बातों का पता लगेगा कि कैसे बनी है। अब हम इसको ना छुरी लेकर बड़ी एहतियात से हमने इसको काट लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आपके हाथों से भी साढ़ सौ सक देने गर्म है, इसकी बड़ी एहतियात करनी है। ये देखें इसके अंदर जो सा स्पून होगा वो हमने इसको या गिरी के साथ ही आप ग्राइंड कर लें, या इस तरह चमचे की मदद से निकाल के जो सा बाकी दूध होगा उसमें आपने डाल देना है। इस तरह इसका कट कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके अब हमने इसमें डाला है देसी घी, तो और इसमें डाली है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा पालो, काट पसंद है काट पाओ, लेकिन देसी घी पाओ, वह अपना ही स्वाद बनेगा, ताकत भी ज़्यादा आएगी। देखिए इधर बच्चे नहीं हट रहे, आज बच्चों ने बहुत सताया है, तो इनकी दादू रेसिपी बनाने की, मैंने कहा मैं भी रेसिपी बनाती हूँ इसकी, ताकि मैं अपने प्यारे प्यारे जो से मेरे व्यूवर्स हैं इनके साथ मैं शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी ये खाएँ। मामा ये जमी है, खास तौर पे औरतों के लिए है ये, जो अगर उनके ना कमर में दर्द रहती है तो उसके लिए ये। साथ में हमने ना अलग में थोड़ा सा घी डाल के तो उसमें सूजी को अच्छी तरह भून लिया, जब अच्छी तरह भून जाएगी उसकी किसी प्यारी सोनी की खुशबू आने लग पेगी, ये भी बेच पा देना। जब से ये लई सी बनी है, ये हमने इस पर डाले इसलिए बनी है। अब अपने आपने इसमें अपनी मर्जी का गिरी बादाम, हमने बादाम और गिरी उसको भी ग्राइंड करिए था, वो इसमें डाल दिया और बस इसको ठंडा कर लें और खाएँ। देखिए ये हमने ना इस तरह इसको डब्बे में डालिए, अब ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको फ्रिज में रख लेंगे, इसको अभी बाहर नहीं रखना क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, इसमें दूध डला हुआ है। तो जब आपने खाना है इसको आपने 2 चम्मच निकालें, दूध गर्म करें और साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बेहतरीन बना है, बहुत अच्छी रेसिपी है। आपकी कमर दर्द है, कमर एन फिट फैट हो जाएगी, एन बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, तो इसी एन तंदुरुस्त हो जाएगा, यस हो जाओगे, तो इसलिए आपने ज़रूर फॉलो करना है। बड़ी अच्छी रेसिपी है ये, पहली बार हमने यूट्यूब पे आपने देखी होगी, इससे पहले आप ऐसी कोई रेसिपी नहीं आपने देखी होगी। इसलिए आपने अगर अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी सारी आने वाली नई वीडियो है ना आप तक पहुँच सके, और हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत ही जल्द में एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करेंगे। इस बार आपके साथ फ्राई फिश की रेसिपी भी शेयर हो गई, वो भी मेरी पिज्जा की दादा बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त बेहतरीन बनाती हैं, इसलिए जल्दी से जाके बाहर के जाके जल्दी को चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।